और ये देखिए, देखिए इसका टेक्सचर आप, ये देखिए दोस्तों इसका टेक्सचर, क्या बात है यार। पूरा 25 मिनट 20 मिनट तक हम इसकी कसाई करेंगे अच्छे से, हमारे कीमे की गारंटी लेते हैं, पूरी सिटी में ऐसा कीमा खाने को नहीं मिलेगा। तो शादाब भाई कीमा भी हमारा बनकर तैयार होने वाला है। बिल्कुल, अब किसी को अगर कीमा खाना हो तो सुबह कितने बजे से आना पड़ेगा? कीमे के लिए हमारे 11:30 बजे दुकान पे पहुंच जाएं होटल पे। 11:30 से कब तक मिलता है? 11:30 से लेके उसका टाइम फिक्स नहीं है भैया, कीमा इसी डिमांड है हमारे यहाँ। ये दोस्तों अभी हमारा जो स्पेशल कीमा बनाए थे ट्राई करते हैं। ये देखिए ग्रेवी का मज़ेदार। तो दोस्तों एक बार फिर आ चुके हैं हम अल अजीम होटल आमेर में। तो ये हमारे शादाब भाई, निहारी वाली वीडियो में आप इनको देख चुके होंगे। तो शादाब भाई क्या हाल है आपके? अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हाल है। तो जो आपके जो खाने पूरे जयपुर में इतने मशहूर हो चुके हैं कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं, अल्लाह का एहसान है, हमारी कोई औकात नहीं। काम देख रहे हैं रोज जो इतने जल्दी खत्म हो रही है। अभी कई चीजें आपने इसमें बढ़ाई है, चंगेजी वगैरह आपने लगाई है, रोस्टेड वगैरह जो लगाए, उनका रेस्पॉन्स कैसा है? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आज जो रेसिपी हम करने वाले हैं वो क्या स्पेशल बन रहा है आज? आज हम कीमे की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो कीमा जो बनाते हो मटन का बढ़ेगा? जी मटन का बनाते हैं हम, मटन का कीमा। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं अल अजीम होटल की स्पेशल मटन कीमे की रेसिपी। तो आइए चलते हैं। तो बर्तन हमारा चढ़ चुका है चूल्हे पे, अब क्या डालेंगे इसमें शादाब भाई? अब इसमें ऑयल डालेंगे हम पूरा 1.5 kg, 1.5 kg कुकिंग ऑयल। तो कितने किलो कीमा बना रहे हो शादाब भाई? 5 kg का कीमा बना रहे हैं भाईजान। ये बड़े का है मटन का? बिल्कुल मटन का कीमा है भाईजान, मटन का कीमा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ बन रही है अभी सुबह सुबह गर्मा गर्म तंदूर की रोटियाँ। देखो मुजाहिद भाई, अब हमारा हो चुका है तेल गर्म, अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज पूरे 1.5 kg लेंगे हम। प्याज भी 1.5 kg? जी। और इसी के साथ में कीमा ऐड करेंगे हम। और कीमा कितने किलो है? कीमा पूरा 5 kg है भाईजान, पूरे मटन का प्योर। ये आ गया दोस्तों मटन का कीमा, ये देख लो। और हम इसको साथ में इसलिए डालते हैं कि दोनों चीज़ें एक साथ गलेगी। अच्छा, दोनों एक साथ गलेंगे, कीमा भी और प्याज भी? कीमे का और प्याज का मिश्रण बहुत अच्छे से मेस्ट होगा। तो जो कीमा लेते हो रान का लेते हो पूरा? पूरा रान का लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कीमा बिल्कुल साफ और बिना चिकनाई वाला है, बिल्कुल साफ कीमा है, ये देखिए। हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और मोटा गरम मसाला। क्या बात, तो ये अपना एक अलग ही फ्लेवर छोड़ेगा इस कीमे के अंदर। अच्छा, गरम मसाले का काम होता है एक अच्छा फ्लेवर छोड़ना, और गरम मसाला अच्छे से जब तक ये गलेगा उसका अपना पूरा कलर छोड़ देगा, पूरा मजा आ जाएगा इसके अंदर। तो शादाब भाई ये कीमा वगैरह बनाना, जो पिछले हमने निहारी की रेसिपी की थी जी जी, तो उसका अच्छा रेस्पॉन्स आया, और अभी हम कर रहे हैं कीमे की रेसिपी। तो सारी जो सालन है, सारी जो डिश आपने कहाँ से बनाना सीखी, कितना एक्सपीरियंस है आपको? वो सब कुछ हमारे नाना से ही सीखा है सर, हमने सब नाना से सीखा जी। बिल्कुल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये पूरा जाएगा 750 ग्राम। तो दोस्तों अभी आ गया इसमें 750 ग्राम लहसुन और अदरक का पेस्ट, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और इसको 45 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे आप। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, पानी हम लेंगे आधा जग, और वो इसलिए लेंगे कि हमारा लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है वो पेंदा पकड़ता नहीं है। अच्छा, वो नीचे ना चिपके। जब भी आप लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स में मिलाओगे ना कोई भी सब्जी के अंदर, तो उसके साथ में थोड़ा पानी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि वो पेंदा पकड़ता है, नीचे चिपकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों इसमें आ चुका है पानी, और अब हम इसको 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल गलाई के लिए। ये बिरयानी भी लगाते हो शादाब भाई? जी जी बिल्कुल लगाते हैं। तो बिरयानी चिकन की? जी बिल्कुल, चिकन और बड़े दोनों की बिरयानी लगाते हैं हम। क्या बात, तो बिरयानी का रेस्पॉन्स कैसा है? बहुत अच्छा माशाल्लाह। इधर क्या बन रहा है शादाब भाई? ये बड़े का कोरमा भाईजान। क्या बात यार दोस्तों, टेक्सचर चेक आउट कर रहे हो, ये देखिए रंगत इसकी बुनाई चल रही है, अभी ये तैयार होने वाला 10 मिनट में पूरे। अच्छा मुजाहिद भाई, प्याज हमारे अच्छे से गल चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। पूरे 45 मिनट तक हमने प्याजों को गला चुके हैं अच्छे से, कीमा भी अच्छा सा सॉफ्टनेस आ गई है, कीमा सॉफ्ट हो चुका है ना? बिल्कुल बिल्कुल, प्याज भी अच्छे से गल चुके हैं। और दही हम इसमें और ऐड करेंगे। दही कितना डाला है? पूरा 1 kg दही ऐड लेंगे। दोस्तों 1 kg दही इसमें डल चुका है, और टेक्सचर देख रहे हैं आप ग्रेवी का, और ये थोड़ा सा दही और लेंगे हम इसमें। क्या बात दोस्तों, अभी जो खुशबू आ रही है ना बहुत अच्छी आ रही है, प्याज अच्छे से घुल चुका है इसमें, और कीमा भी अच्छे से पक चुका है, अभी इसमें डाला है दही। अब दही का बुनाव कब तक करना है? दही का बुनाव 20 मिनट करेंगे भाईजान हम। अभी 20 मिनट तक होगा दही का बुनाव। तो शादाब भाई, आप नहारी बना लेते हैं और कीमा भी बना लेते जी हैं जी, स्टू वगैरह सब बना लेते हैं, तो कहाँ से सीखा ये सब और कैसे मोटिवेशन मिली? ये देखो, मैं पहले पार्टियों में मेरे दोस्तों के साथ में हम गोट वोट बहुत किया करते थे, और दोस्तों ने कहा कि कुछ अपना कर, इसलिए हमने होटल लगाई है यहाँ पे।
अच्छा, तो एक बार बताया था आपने जैसे नहारी करते हो कि करीम पे भी काम किया। जी 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 बिल्कुल। तो पहले शौक था बनाने का, फिर दोस्तों का पार्टी में, फिर उसके बाद करीम पर गए, फिर हमारा खुद का होटल कर लिया आज हमने। तो अभी होटल का जो रेस्पॉन्स है सारे बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है रेस्पॉन्स, बढ़िया। और ये मुजाहिद भाई दही का बुनाव हमारा अच्छे से हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, हल्दी करेंगे पूरा 20 ग्राम। दोस्तों अभी आ चुकी है इसमें हल्दी और दही का बुनाव जो है वो अच्छे से हो चुका है, और हल्दी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक उसको हम पकाएंगे ताकि हल्दी जले ना। बिल्कुल बिल्कुल, हल्दी को इतना ही पकाना चाहिए कि हल्दी बहुत जल्दी जलती है हल्दी। देखिए दोस्तों आप कीमे का टेक्सचर चेकआउट कीजिए, क्या बात है यार। और हल्दी हम जब डालेंगे इसमें, जब उसको हल्का हल्का चलाना पड़ेगा हमें कंटिन्यू, और हल्दी के बाद हम इसमें डायरेक्ट डालेंगे कोकोनट का पाउडर। ये आ चुका है इसमें कोकोनट पाउडर, ये ग्रेवी में टेक्सचर लाएगा अच्छा, खोपरे का पूरा था, इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है, जो ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो कमाल का इससे हो जाता है। और हल्दी हमारी अच्छे से पक चुकी है, ये देखिए हल्दी ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मिर्च और धनिया पाउडर, और इसका भुनाव पूरा 20 मिनट करेंगे हम, इसको अच्छे से कसेंगे जब तक ये दाना नहीं आ जाए। ये देखिए दोस्तों, तो हल्दी ने की जान होती है हल्दी दोस्तों, तो मसालों की जो खुशबू अभी आ रही है ना वो काफ़ी लाजवाब है। और ये देखिए, ये देखिए इसका टेक्सचर आप, ये देखिए दोस्तों इसका टेक्सचर, क्या बात है यार। पूरा 25 मिनट 20 मिनट तक हम इसकी कसाई करेंगे अच्छे से, और फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो शादाब भाई कीमा भी हमारा बनकर तैयार होने वाला है। बिल्कुल, अब किसी को अगर कीमा खाना हो तो सुबह कितने बजे से आना पड़ेगा? कीमे के लिए हमारे 11:30 बजे दुकान पे पहुंच जाएं होटल पे। 11:30 से कब तक मिलता है? 11:30 से लेके उसका टाइम फिक्स नहीं है भैया, कीमा ऐसी डिमांड है हमारे यहाँ, डिमांड रहती है जल्दी खत्म हो जाता है। जी जी बिल्कुल, फिर उसके बाद में आपको शाम को 6:30 बजे मिलेगा। तो शाम को वापस बनता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल फ्रेश या सुबह का रखा हुआ दे देते हैं? बिल्कुल फ्रेश, आपको बर्तन दिखाएंगे हम, 2 बजे आके चेक कर लेना हमारी होटल पर। तो दोस्तों जो मिलेगा आपको खाना यहाँ पर, जो भी मिलेगा बिल्कुल ताज़ा मिलेगा, और ये साथ ही में हमारी दाल का भी, इधर दाल भी चल रही है इनकी, तड़का लगाया है अभी अभी हमने इसमें। तो कोई वेज खाने वाले हो तो दाल के लिए आ सकते हैं, और जिसे नॉन वेज पसंद है उनके लिए तो अलर्जी होटल पर रही। और भुनाव हमारा अच्छे से हो चुका है, भुनाव हमारा अच्छे से हो चुका है, ये देखिए आप, ये देखिए दोस्तों। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और पानी हम लेंगे इसमें 1.5 लीटर, पानी हम इसमें पूरा 1.5 लीटर लेंगे दोस्तों। अभी डला इसमें 1.5 लीटर पानी, अब इसका एक जोरदार उबाल आएगा, उसके बाद में कीमा बनके रेडी है, पानी अच्छे से पक जाएगा, पूरा अच्छे से पक जाएगा, और इसको लगेंगे 10 मिनट, एक उबाल आने पे इसको छोड़ दिया जाएगा पूरा। लगभग हमारा कीमा पक के तैयार है, पानी इसका 80% पक चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, और हमारे खाने हमारे होटल की जान हमारे नाना जी का मसाला, हर रेसिपी में 4 चांद लगाने वाला, अब हमारे सीक्रेट मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो नाना जी का मसाला किसी भी रेसिपी में डाल सकते हैं? जी जी जी, हमारी होटल की किसी भी रेसिपी में डाल सकते हैं, और खानों पे चांद यही लगा रहा है। तो दोस्तों यहाँ बन रही है अभी तंदूरी रोटी, खमीरी रोटी भी इसे कहते हैं, ये देखिए उस्ताद के, ये देखिए दोस्तों तंदूरी रोटी है। दोस्तों अभी कीमा बनकर बिल्कुल तैयार है, तो आइए अभी से हम दूसरे बर्तन में उन्हें टेस्ट करके बताते हैं। तो शादा भाई अभी क्या क्या रेडी है मॉर्निंग में? अभी हमारे पास रेडी है भाईजान ये चिकन कोरमा, क्या बात है दोस्तों, टेक्सचर चेकआउट करो ग्रेवी का भी, ये बड़े का स्टू, ये बड़े का स्टू, ये हमारा स्पेशल कीमा, जो कीमा अभी तैयार हुआ है। जी जी, और ये हमारे आलू छोले की सब्जी। तो वेज और नॉन वेज दोनों के लिए पूरी व्यवस्था है, दोनों आ सकते हैं आराम से खा सकते हैं। और ये हमारी दाल, क्या बात है। और उनकी जो प्राइस है शादाब भाई बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि चिकन कौरमे की रेट है 80 रुपये, और बड़े के स्टू की रेट है 80 रुपये कीमे की। हाँ हाँ, कितने आदमी खा सकते हैं? 2 आदमी अच्छे से खा सकते हैं, और कीमे की रेट है 60 रुपये हाफ, इसमें अच्छे से 2 आदमी खा सकते हैं। सब्जी हम देते हैं 40 रुपये की, और दाल भी हम 40 रुपये की देते हैं। हर तबके के लोगों का आपने पूरा ख्याल रखा है इसमें, हर लोग आराम से आके खा सकते हैं कोई भी। हमने खिदमत के लिए होटल खोली,
क्या बात है हर आदमी की खिदमत करेंगे, मैं पैसे से मतलब नहीं है, तो खिदमत का ये रिजल्ट है कि अल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स जो दिलवा रहा है वो इसीलिए दिलवा रहा है क्योंकि आपने सबके लिए ख्याल रखा है। हमारे कीमे के कस्टमर आना चालू हो चुके हैं अभी। कैसा लगता है इनके आएगा कीमा? बहुत अच्छा लगता है, एक घंटा इंतजार कर रहे हैं। एक घंटे से इंतजार कर रहे हो, क्या बात है। इन्हीं का कीमा पैक हो रहा है अभी 80 का पैक। तो दोस्तों ये हमारा कीमा और ये हमारी गर्मा गर्म खमीरी रोटी, तो आइए अभी इसे ट्राई करते हैं। ये दोस्तों अभी हमारा जो स्पेशल कीमा बनाया है इसे ट्राई करते हैं। ये देखिए ग्रेवी का पूरा टेक्सचर आप। लाजवाब, काफ़ी मज़ेदार और बिल्कुल ग्रेवी थिक, अच्छे से पकी हुई। जितने मसाले इसमें डले हैं, स्पेशली जो नाना जी का जो मसाला इसमें डला है उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग है। ये देखिए मज़ेदार। तो आप अगर सुबह के वक्त कुछ अच्छा खाना चाहते हैं तो चले आइए अल अज़ीम होटल पर और ट्राई किए यहाँ का मटन कीमा या बड़े का स्टू, जो भी मैं रिकमेंड करूँगा आपको मटन कीमा। ये देखिए शानदार। तो दोस्तों मैं करता हूँ अपनी मील इन्जॉय और आपसे मिलते हैं जल्दी एक नई जगह पर एक नए जगह के साथ। टिल देन बी हैप्पी। तो दोस्तों हम तो कर ही नहीं अभी हमारा मटन कीमा इन्जॉय और हमारे साथ आ चुके हैं अमजद भाई, ये भी यहाँ पर खा रहे हैं कीमा। तो कैसा अमजद भाई कीमा? कीमे में कोई कमी नहीं, लाजवाब कीमा है, लाजवाब है कीमा। तो दोस्तों सुबह का वक्त होता है, दोपहर 11-12 बजे जैसे ही बजते हैं लोगों की लाइन लग जाती है इनके यहाँ पर कीमा खाने के लिए, और कीमा बड़ा जायकेदार वाकई मज़ेदार है। तो आप भी ज़रूर अगर कीमा खाना है आपको बढ़िया तो आप आ सकते हैं लजीम होटल पर। भाई खाने बिरयानी, बिरयानी कैसी है? एक नंबर, सुभान अल्लाह, बढ़िया।